और
अरे अर्थात देश करता है तथा
जिस प्रकार से जीवादि करता अवस्थित है उनको उसी उसी रूप जानना वह सम्यक ज्ञान है। जिस प्रकार से जीवादि करता अवस्थित है उनको उसी उसी रूप जानना वह सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन अर्थात क्या? तत्वाचर्मान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वों के सच्चे सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मे अर्थात आत्मा के हित के हेतु अर्थात कारण है ते अर्थात उन्हें आपको अर्थात आत्मा कष्टदा अर्थात दुख देने वाले लगे अर्थात मानते हैं। तो क्या कहा? जो विद्यादृष्टि जीव है उसने जो पूर्व में अच्छे और बुरे कर्म बंधन करे हैं और जो उसको वर्तमान की अवस्था में वे कर्म बंधन का फल आ रहा है, जो अच्छे कर्मों का फल अच्छा आ रहा है उसमें वे लाभ करता है और जो बुरे कर्मों का फल न आ रहा है उसमें वे द्वेष करता है। और जो उसको हितकर है वह कब समय दर्शन समय ज्ञान समय चाहे जो उसके लिए हितकर है उसको प्राप्त करना उसको प्राप्त करने में वह दुखदाय मानता है वह उसको दुखदाय मानता है। जिसमें आत्मा का सच्चा सुख है उसे वह दुखदाय बंद करता है। क्या कहा? जो पुण्य पाप है या सुख दुख है
क्लेश है कि दोनों ही बंधन का कारण है, किंतु ऐसा न मानकर उन्हें को हितकारी मानकर क्या पीछे ये मिथ्यादृष्टि जीव है वह जो पुण्य है उसको वह हितकारी मानता है और जो पाप है उसको वह अहितकारी मानता है, जबकि वह ये नहीं जानता कि जो पुण्य और पाप है दोनों ही मेरे कुछ नहीं कर सकते, ये ना ही मेरे अहितकारी है ना ही मेरे हितकारी है। आगे तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकारी है, यदि तत्व दृष्टि से देखें सफर द्वारा कर्म बंधन को रोकना है और सिद्धों की समाधि